हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सर? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, हम जानते हैं पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पोस्ट जो अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए, मैकेनिकल, मशीन फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर असिस्टेंट, COPA एक्सेट्रा पोस्ट के लिए। इनके बारे में नीचे डिटेल वाइज जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस पोस्ट में वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 48 यानी कि 48 वैकेंसीज दोस्तों इस पोस्ट में अवेलेबल हैं। आइए इनके इन 48 वैकेंसीज के बारे में डिटेल वाइज जानते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल देख रहे हैं आप, ये आर्टिकल आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पे देख रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका प्रोवाइडेड है, जिसके थ्रू आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, देखिए, इस पोस्ट को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15/2/2023 यानी कि 15th of Feb 2023। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं पोस्ट क्या है, पोस्ट के साथ उसकी वैकेंसीज जानेंगे हम डिटेल वाइज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट, मंथली सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर और अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, पोस्ट नेम और वैकेंसीज जानते हैं। देखिए, पोस्ट नेम आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में है 20 वैकेंसीज, फिटर में है 8, मशीन में है मोटर व्हीकल 2 वैकेंसीज, टर्नर में है 1 वैकेंसी, मैकेनिस्ट में है 1, वेल्डर और गैस इलेक्ट्रिसिटर में है 2 वैकेंसीज। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में है 14 वैकेंसीज। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके लिए ITI ट्रेड पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप दोस्तों, ITI की 1 ईयर की ITI पास रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि ITI कैंडिडेट्स पास होने चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो मिनिमम एज इनकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम उनकी 30 होनी चाहिए। ठीक है, मंथली सैलरी जो पे आउट होगी वो स्टेटमेंट रेट जो होगा शेड्यूल के साथ उसी हिसाब से पे आउट हुआ जाएगा। ठीक है, यानी कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको पे आउट होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका, देखिए, फर्स्ट पोस्ट शैल बी गिवन टू द तहसील सलूनी एंड चौड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर चैम्बर, यानी कि इनके यहाँ के कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी में आप देख सकते हैं हमारे बाकी डिटेल्स। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे दोस्तों। देखिए, अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको एनवलप में अपना 10th का डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पोस्ट करना होगा या फिर कि ऑनलाइन वेबसाइट से के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। देखिए, ये आप डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट देख सकते हैं दोस्तों, ITI मार्कशीट ये 1 से लेकर 7-6 तक ये ये आपका वो डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, कहाँ पे करना होगा, यहाँ पे आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो उसके बाद ही आप इस पोस्ट में एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 पेज का इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपकी नोटिफिकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिर डिटेल फिल करके आपको सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा रिक्रूटमेंट की खबर जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें फॉलो कर सकते हैं Google News पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।